नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है ओके क्रेडिट में। मैं तमन्ना एक बार फिर से आपके सामने लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया। और आज हम बात करेंगे उस चीज की जो हम सबको बहुत पसंद है। जब हम किसी के घर जाते हैं तो उसको कुछ देते हैं और बदले में वो भी हमें कभी कभी रिटर्न गिफ्ट दे देते हैं, ताकि उनको याद रहे कि हम कब गए थे, कहाँ गए थे और किसके पास से ये गिफ्ट लेके आए थे। बिल्कुल ठीक समझा आपने। आज हम बात करेंगे कि गिफ्ट्स का बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं। हालांकि आपको लगेगा कि इस बिजनेस में पहले ज्यादा लागत लगानी पड़ेगी और उसके बाद मुनाफा शायद कम होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है स्टार्टअप के लिए आपको थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगाना पड़े, लेकिन कुछ ही देर बाद आपको उसका अच्छा खासा मार्जिन मिलने लगता है और आप मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, वो इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगी। तो बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और कमेंट सेक्शन में लिखिए किस तरह के वीडियोस आपको देखना और पसंद है। कैसे खोलें गिफ्ट आइटम्स की शॉप। गिफ्ट शॉप का बिजनेस भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वैश्विक स्तर की बात करें तो इस बिजनेस में बढ़ोतरी देखी गई है, क्योंकि वर्तमान में हर कोई एक दूसरे को अपनी खुशी और व्यवहार जाहिर करने के लिए गिफ्ट्स का सहारा ले रहा है। गिफ्ट की शॉप दो तरीके की होती है। पहली, जैसा सामान मार्केट से खरीद कर लाए हैं उसे ज्यों का त्यों बेच देना, और दूसरी पर्सनलाइज्ड गिफ्टिंग जैसे फोटो फ्रेम, कीचेन, टेबल टॉप, दीवार घड़ी, टी शर्ट आदि। गिफ्ट आइटम में किसी कंपनी या व्यक्ति का नाम, फोटो आदि लगाकर बेचना। ऐसा नहीं है कि गिफ्ट आइटम खरीदने और उन्हें गिफ्ट में देने का काम केवल लोग व्यवहारिकता के लिए कर रहे हैं, बल्कि कॉर्पोरेट कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को किसी न किसी शुभ मौके पर अपनी कंपनी की निशानी के तौर पर गिफ्ट देते हैं। मग प्रिंटिंग व्यापार एवं टी शर्ट प्रिंटिंग व्यापार भी कस्टमाइज्ड गिफ्ट शॉप से संबंधित ही व्यापार है। गिफ्ट आइटम्स की दुकान किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि एक ऐसी जगह जहां पर उपहार बेचे जाते हैं। गिफ्ट शॉप कई तरह की हो सकती है, जैसा कि पर्सनलाइज्ड गिफ्ट शॉप, कॉर्पोरेट गिफ्ट शॉप, स्पोर्ट्स गिफ्ट शॉप, आर्टिशन गिफ्ट शॉप आदि। हालांकि इंडिया में बर्थडे गिफ्ट आइटम्स, वेडिंग गिफ्ट शॉप आइटम्स, एनिवर्सरी गिफ्ट आइटम्स, अन्य व्यक्तिगत आयोजन से जुड़े हुए गिफ्ट आइटम की शॉप शुरू करते हैं। बड़े बड़े शहरों में अब लोग कॉर्पोरेट गिफ्ट आइटम की शॉप भी खोल रहे हैं। कुछ और भी पहलू हैं इस बिजनेस को लेके जो आपको समझना बेहद जरूरी है, जैसे कि कैसे जगह का चयन करें, आप कितनी लागत में इसको शुरू कर सकते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने जहन में रखनी होंगी। तो चलिए कुछ आपको फैक्टर्स बताती हूँ जो बहुत बड़ा काम करते हैं किसी भी बिजनेस को चलाने में, खास तौर पर अगर हम गिफ्ट आइटम्स की बात करें। बिजनेस की प्लानिंग करें। गिफ्ट स्टोर खोलने की शुरुआत आपको प्लानिंग के साथ करनी होगी। आपका स्टॉक कहां से आएगा, आपको कितना निवेश करना होगा, उससे कितना मुनाफा होगा, जगह एवं स्टोर की व्यवस्था कैसे और कहां होगी, मार्केट में मांग के अनुसार प्रोडक्ट का स्टॉक रखना, लाइसेंस, पैकेजिंग करने की सर्विस प्रोवाइड करवाना एवं अपने स्टोर की मार्केटिंग करना आदि। इन सभी चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जब आप ये सभी चीजें अच्छे से प्लानिंग के साथ करते जाएंगे तो आप गिफ्ट स्टोर शुरू करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। साथ ही आप इस बिजनेस की शुरुआत आसानी से कर सकते हैं। लोकेशन का चयन करें। कोशिश करें कि दुकान ऐसी जगह ले जो आपके गांव, कस्बे या फिर शहर के मुख्य मार्केट में हो। आप किस तरह के आइटम्स की शॉप खोल रहे हैं ये उस पर भी निर्भर करेगा। जैसा कि यदि आप केवल बच्चों और किशोरों के लिहाज से गिफ्ट शॉप खोल रहे हैं तो स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के आसपास किसी इंस्टीट्यूट के नजदीक शॉप खोल सकते हैं। यदि आप हर उम्र, मौसम, त्योहार, फंक्शन, पार्टीज आदि के हिसाब से शॉप खोल रहे हैं तो आप मुख्य मार्केट में जगह का चयन करें। एक ऐसी मार्केट जहां लोग अधिक संख्या में आते जाते हों, क्योंकि आपकी शॉप में ज्यादा कस्टमर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि आपको अपनी प्रतिस्पर्धा से आगे निकलना है तो आपको उससे थोड़ा हटकर एवं आकर्षक आइटम्स अपने स्टोर में रखनी होंगी, ताकि लोगों को वो आकर्षित करें और आपको इसका फायदा मिले। बजट निर्धारित करें और उनका प्रबंध करें। आप कितने बड़े स्तर पर बिजनेस करने की सोच रहे हैं, किस तरह के गिफ्ट आइटम्स आप अपनी शॉप पर रखेंगे। एक छोटी शॉप से अपना बिजनेस शुरू करना है या फिर बड़ी शॉप व शोरूम से शुरू करना है, ये सभी सवालों के जवाब आपका बजट तय करेगा। गिफ्ट शॉप के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। हालांकि छोटे स्तर पर बिजनेस शुरू करने के लिए लाइसेंस और किसी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आप फिर भी अपने कस्बे और शहर या इलाके के नियम पता कर लें। यदि आप बिना किसी लाइसेंस के या पंजीकरण के गिफ्ट शॉप खोलते हैं तो आपके ग्राहक साधारण और व्यवहारिक वाले ही हो सकते हैं, कोई कंपनी नहीं। यानी कि यदि कोई कंपनी किसी शॉप से सामान खरीदती है तो वह लाइसेंस और पंजीकरण अवश्य चेक करती है, इसलिए कॉर्पोरेट कस्टमर मिलना मुश्किल है।
यदि आप हर तरह के लोगों के लिए सामान्य और कॉर्पोरेट दोनों तरह के ग्राहकों को आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकरण करना होगा, बिजनेस के नाम का पैन कार्ड बनवाना होगा, बिजनेस के लिए बैंक खाता खुलवाना होगा, जीएसटी पंजीकरण भी करवाना होगा। ये सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर आप सामान्य और कॉर्पोरेट दोनों तरह के कस्टमर को अपना सामान बेच पाएंगे। गिफ्ट शॉप निवेश कितना लगेगा? एक अच्छी और आकर्षित दुकान खोलने के लिए कम से कम 5 से 7 लाख तक की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि आप अपना गिफ्ट आइटम ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन भी बेचना चाहते हैं तो ये लागत और बढ़ जाएगी। हम यहाँ आपको खर्चे का कुछ आइडिया दे रहे हैं, हो सकता है इससे कम या इससे अधिक की लागत लगे। दुकान का किराया आपकी लोकेशन के हिसाब से हो सकता है, लेकिन हम यहाँ शहर में एक अच्छी लोकेशन का किराया बता रहे हैं। दुकान का किराया कम से कम 20,000, फर्नीचर और इंटीरियर तकरीबन 80,000 से 1 लाख, कंप्यूटर प्रिंटर कैमरा एंड सॉफ्टवेयर आदि में आने वाला खर्चा तकरीबन 1 लाख, लाइसेंस पंजीकरण आदि में आने वाला खर्चा तकरीबन 20,000। शुरू में दुकान में गिफ्ट आइटम्स खरीद कर भरने में लगभग 1,50,000 से 2 लाख तक, मार्केटिंग करना और दुकान खोलना आदि में खर्चा 50,000 से 70,000, इन्वेंट्री की बीमा 13 से 15,000, नकदी की आवश्यकता 50,000 तक। मार्केटिंग करनी होगी। कॉर्पोरेट और सामान्य ग्राहकों को पाने के लिए आपको मार्केटिंग और विज्ञापन का सहारा लेना होगा। याद रखें, जब तक आपकी शॉप के बारे में नहीं जानेगा कोई आपकी शॉप पर आकर विजिट नहीं कर सकता। अपने गांव, कस्बे और शहर के न्यूज़पेपर में विज्ञापन दें। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के आसपास पोस्टर, बैनर्स, होर्डिंग्स लगवाएं। आप चाहें तो पैम्फलेट भी बंटवा सकते हैं। कॉर्पोरेट कंपनियों से गिफ्टिंग के लिए संपर्क करें। ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए गूगल एडवर्ड कैंपेन का सहारा ले सकते हैं। ऑनलाइन गिफ्ट सामान बेचने के लिए आप वेबसाइट बनवा सकते हैं और उस वेबसाइट का प्रमोशन कर सकते हैं। गिफ्ट स्टोर बिजनेस में प्रॉफिट। बिजनेस के प्रॉफिट की बात करें तो बिजनेस में प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। इस बिजनेस से आप महीने में कम से कम 50 से 70,000 रुपए प्रति महीना कमा सकते हैं और जब ये बिजनेस अच्छे से सेट हो जाए तब कमाई का आंकड़ा लाखों में जा सकता है। गिफ्ट स्टोर बिजनेस में पैकेजिंग व्यवस्था। आप अपने गिफ्ट स्टोर में लोगों को गिफ्ट पैकिंग की सुविधा भी दें, इससे लोग आपसे काफी प्रभावित होंगे। आजकल गिफ्ट के साथ साथ गिफ्ट की पैकिंग पर भी काफी अधिक ध्यान दिया जाता है, इसलिए आप डिजाइनर गिफ्ट पैकिंग करते हैं तो इससे आपको अधिक फायदा मिल सकता है। तो देखा आपने कि कैसे आप गिफ्ट आइटम्स का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका आपको ख्याल रखना है ताकि आपका बिजनेस खूब फले फूले। और हमारी यही मनोकामना है कि आप जो भी काम शुरू करें वो आपका अच्छे से चले। तो मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, गिफ्ट्स देते और लेते रहिएगा। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।